नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न पर लिस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से कई बार कंपनी का विरोध हो चुका है। कभी किसी राज्य के झंडे तो कभी ईश्वर और देवी देवताओं से जुड़े प्रोडक्ट्स को लेकर अमेज़न बायकॉट की मांग हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोग अमेज़न को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अमेज़न को बायकॉट करने की मांग इस हद पर बढ़ गई है कि ट्विटर पर बायकॉट अमेज़न ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, बता दें कि ट्विटर पर बायकॉट अमेज़न और बायकॉट एक्सोटिक इंडिया ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह अमेज़न पर लिस्ट राधा कृष्ण की एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग को लेकर के हिंदू जन जागृत समिति ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न के खिलाफ एक्शन की मांग की है। इस मामले में हिंदू जन जागृति समिति ने बेंगलुरु के सुब्रमण्या नगर पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन भी दिया है। विवादित पेंटिंग एक्सोटिक इंडिया की वेबसाइट पर भी मौजूद थी। राधा कृष्ण की विवादित पेंटिंग जन्माष्टमी सेल का हिस्सा थी, जिस पर अमेज़न और एक्सोटिक इंडिया का विरोध हो रहा है। बता दें कि समिति ने इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से पेंटिंग को हटाने और बिना किसी शर्त के माफी मांगने के लिए कहा है। विवाद बढ़ने के बाद अमेज़न और एक्सोटिक इंडिया की वेबसाइट से इस पेंटिंग को हटा लिया गया है। इस मामले में एक्सोटिक इंडिया ने ट्वीट कर माफी भी मांगी है। बता दें कि एक्सोटिक इंडिया ने ट्विटर पर लिखा, हमारी जानकारी में आया है कि एक्सोटिक इंडिया की वेबसाइट पर एक अनुचित तस्वीर अपलोड की गई थी, उस तस्वीर को तुरंत ही हटा लिया गया है। हम इसके लिए सभी से माफी मांगते हैं, कृपया एक्सोटिक इंडिया का बायकॉट न करें। बता दें कि जिस पेंटिंग का विरोध किया जा रहा है, उस पेंटिंग में राधा कृष्ण की अश्लील फोटो दिखाई गई है, जिसमें राधा कृष्ण निर्वस्त्र नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के हिंदू समाज इस पेंटिंग का विरोध कर रहा है और अब बायकॉट अमेज़न और बायकॉट एक्सोटिक इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। बायकॉट किस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, यह अभी हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से बायकॉट के चलते आमिर खान की फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में एक्सोटिक ने तो डर के मारे माफी तुरंत मांग ली है, लेकिन अमेज़न की तरफ से अभी ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। तो आपको क्या लगता है कि आपको अमेज़न का बायकॉट करना चाहिए या नहीं? अमेज़न ने इस तरह की फोटो दिखाकर सही किया या गलत किया? अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।